हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉयड्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोलॉयड्स को हम क्लासिफाई करते हैं कुछ तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे फर्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पोज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दैट मीन्स कि जो डिस्पोज्ड फेज है इन केस ऑफ कोलॉयड्स हम डिस्पोज फेज क्या होता है सॉल्यूट ठीक है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है सॉलवेंट तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कैसी फिजिकल स्टेट है उस पर क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ़ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्ज फेज़ एंड डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या इंटरेक्शन है किस टाइप के इंटरेक्शनज हैं उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे थर्ड इज़ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्ज फेज डिस्पर्ज फेज़ के पार्टिकल्स की जो टाइप है वो कैसी है उस हिसाब से हम क्लोलाइट्स को क्लासीफाई करने वाले हैं सो so, आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पोर्ज फेज एंड डिस्पोर्जन मीडियम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम इस बेसिस पे तो देखिए सबसे पहली चीज़ फिजिकल स्टेट की बात करते हैं हमें पता है तीन स्टेट्स जनरली एक्जिस्ट करती हैं सॉलिड लिक्विड गैस वैसे तो फाइव स्टेट्स होती हैं बट जो हम स्टडी करते हैं मेनली वो थ्री स्टेट्स हैं अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमने डिस्पोज्ड फेज की सॉलिड स्टेट ली डिस्पर्जन मीडियम की लिक्विड ली इस हिसाब से वेरियस कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे ध्यान रखिएगा वैसे तो तीन स्टेट्स आपके पास डिस्पोज फेज की हो सकती है तीन स्टेट ही डिस्पर्जन मीडियम की हो सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस यहाँ भी सॉलिड लिक्विड गैस कॉम्बिनेशन बनाओ तो टोटल नाइन टाइप के आपके पास कोलॉयड सिस्टम बनने चाहिए बट बनते इसमें कितने हैं एट बनते हैं अब नाइन्थ क्यों नहीं बनता क्योंकि जब गैस को आप गैस के साथ मिक्स करोगे ना तो उस टाइम पे होमोजीनस मिक्सचर बनेगा कोई भी कोलोयडल सिस्टम नहीं बनता इसलिए आपके पास एट टाइप ऑफ कोलोयडल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं अब डिस्कस करते हैं डिस्पोज्ड फेस आपके पास क्या होगा डिस्पोज मीडियम क्या होगा उस हिसाब से कोलोयड की टाइप क्या होगी या उसको नाम क्या देंगे और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा टेबल है आपने कैसे बनाना देखिए आपने लिखा डिस्पोज फेज को ठीक है तीन बार आप फर्स्ट में सॉलिड लिख दीजिए फिर तीन बार लिक्विड लिख दीजिए फिर दो बार गैसेस लिख दीजिए सॉलिड 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 लिक्विड 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 गैसेस गैसेस डिस्पोजन मीडियम की बात करते हैं आपने सॉलिड लिक्विड गैस लिखा फिर से सॉलिड लिक्विड गैस आ गया फिर से सॉलिड लिक्विड क्योंकि गैस और गैस की जब आप बात करोगे ना उस टाइम पे होमोजेनियस सिस्टम बनेगा कोलोइडल नहीं बनेगा इसलिए गैस और गैस का कोई भी कोलोयडल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता क्लियर अब जब डिस्पर्ज फेज भी सॉलिड है डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है उस टाइप पे उस टाइम पे जो क्लोइड का नाम है उसका नाम है सॉलिड सॉल sol, ठीक है जो टाइप ऑफ क्लोइड बन रहा है उस टाइम पे क्या है सॉलिड सोल देखिए सॉलिड और सॉलिड दोनों सॉलिड मिल गए सॉलिड सोल sol बन गया एग्जाम्पल क्या है कुछ कलर्ड ग्लासेस आप देखते हो जेम स्टोन्स देखते हो ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं सेकेंड इज सॉलिड इन लिक्विड जब सॉलिड आप सोल्यूट लेके चल रहे हो लिक्विड आप सॉल्वेंट लेके चल रहे हो तो उस टाइम पे जो सोल बन रहा है आपके पास कोलाइड बन रहा है उसका नाम क्या है सोल सॉलिड इन लिक्विड इज नोन एज सोल पेंट्स और सेल के फ्लूड इसका एग्जांपल है थर्ड इज़ सॉलिड इन गैस इसका एग्जांपल क्या है आपके पास स्मोक डस्ट और इसका नाम क्या होगा एरोसोल क्लियर नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड अभी तक हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड था सोल लिक्विड इन सॉलिड है जेल एग्जाम्पल क्या है चीज हो गया बटर हो गया जेलीज हो गया जेल से आपको समझ आ रहा होगा ना कोई भी जेल टाइप चीज चीज़ें ठीक है ठीके? तो उसमें क्या क्या हो सकता है चीज हो सकता है बटर हो सकता है जेलीज हो सकता है नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड इंपॉर्टेंट है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है लिक्विड इन लिक्विड इसका जो टाइप ऑफ कलोइड होता है उसका नाम होता है इमल्शन एग्जाम्पल क्या है मिल्क और हेयर क्रीम नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड इन गैस के बारे में एरोसोल लिक्विड इन गैस का नाम भी एरोसोल होता है गैस इन गैस का एग्जिस्ट ही नहीं करता ओके सो लिक्विड इन गैस की अगर हम बात करें नाम क्या हो गया एरोसोल एग्जाम्पल क्या हो गया फोग हो गया मिस्ट हो गया क्लाउड्स हो गया इंसेक्टिसाइड स्प्रेज होगी नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड गैस इन सॉलिड इसका नाम क्या है सॉलिड सोल सॉलिड इन सॉलिड का नाम भी क्या था सॉलिड सोल था गैस इन सॉलिड का नाम क्या था सॉलिड सोन एग्जाम्पल क्या है प्यूमे स्टोन हो गया फोम हो गया रबड़ हो गया क्लियर नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड जब भी कोई गैस लिक्विड के अंदर आ रही है फोम झाग देखते हो ना आप वो सारा क्या है इसका एग्जाम्पल है तो गैस इन लिक्विड इज फॉर्म एग्जाम्पल्स क्या हो गए फ्रोथ हो गया विप्ड क्रीम हो गया या सोप लेदर हो गया क्लियर तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है लिक्विड इन लिक्विड विच इज़ नोन एज इमल्शन और कई बार आपसे ये वाला भी पूछ लेते हैं लिक्विड इन सॉलिड विच इज़ नोन एज जेल क्लियर बाकी सब सिंपल है सॉलिड सॉलिड आ गया तो सॉलिड सोल आ, आ गया आपके पास सॉलिड इन लिक्विड आ गया तो सोल आ गया क्लियर जहाँ पर आप सॉलिड लेके चल रहे हो ना डिस्पोज फेज में कहीं ना कहीं सोल इन्वॉल्व हो रहा है जब सॉलिड सॉलिड ले रहे हो तो सॉलिड सोल हो रहा है जब सॉलिड लिक्विड ले रहे हो तो सिंपल सोल हो रहा है जब सॉलिड और गैस ले रहे हो तो उस टाइम पे क्या आ रहा है एरोसोल आ रहा है अब लिक्विड से बात कर लेते हैं लिक्विड इन सॉलिड लिया तो जेल आया लिक्विड इन लिक्विड लिया एमलशन आया लिक्विड इन गैसेज जब भी गैसेज आप डिस्पोजन मीडियम में ले रहे हो नाम क्या आ रहा है एरोसोल नेक्स्ट आता है गैस एंड सॉलिड इस टाइम पे भी नाम क्या है सॉलिड सोल आ गया क्लियर और गैस एंड लिक्विड क्या आ गया फोम सो so, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये कोलाइड्स की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे विप्ड क्रीम की बात करते हो ये एक टाइप की क्या फॉर्म है और फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करती है जहाँ पर डिस्पोज्ड फेज गैस होगा और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा लिक्विड होगा क्लियर सो फॉर्म की अगर हम बात करें इसमें क्या हो रहा है गैस एक लिक्विड में डिस्पोज है जब भी इमरजेंसी में एयरप्लेन की लैंडिंग की जाती है ना तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है फायर फाइटिंग फॉर्म्स वो भी एक्चुअली में क्या होते हैं आपके पास कोलाइडल सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल फ्लूड्स हैं वो भी क्या सोल्स है? हैं विच इज़ अ टाइप ऑफ कोलोइडल ओके तो एक्वेसोल्स में होता क्या है जो सॉलिड आपके पास किसी भी वाटर में डिस्पोज होंगे कोई भी सॉलिड जो है आपके पास वो लिक्विड में जब डिस्पोज होता है तो उसको नाम देते हैं सोल जब वाटर की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे एक्वसोल्स एक्वसोल्स क्लियर तो अब किसी भी एक पर्टिकुलर सेल की अब बात करो ना तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है उनका जो पार्टिकल साइज़ है ना वो कोलाइडल पार्टिकल साइज़ होता है अब ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डिस्पोज होते हैं किस में आयन्स और स्मॉलर मोलिक्यूल्स के एक्वोल्यूशन में तो ये भी क्या बना रहे हैं एक टाइप का कोलाइडल सिस्टम बना रहे हैं जो भी बहुत सारे कोलाइड्स हमने अभी पढ़े जो अभी पीछे टेबल पढ़ा है हमने तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन उनमें से क्या है सोल्स हैं सोल्स में क्या था सॉलिड लिक्विड के अंदर होता है जेल्स हैं जेल्स में क्या था लिक्विड सॉलिड के अंदर है जब हम सोल की बात करें तो सॉलिड इन लिक्विड है जब हम जेल की बात करें तो लिक्विड इन सॉलिड है और इमल्शंस की बात करते हैं तो लिक्विड इन लिक्विड होंगे ठीक है अब जो हमारा इस यूनिट में काम है ना वो हम सोल्स और इमल्शन की डिस्कशन पे ही अपना काम करेंगे मतलब सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड ही हमने इस टाइप के कोलाइडल्स को डिस्कस करना है क्लियर अगर डिस्पर्जन मीडियम आपके पास वाटर है तो उस टाइम पे जो सोल का नाम होगा वो होगा एक्वासोल या हाइड्रोसोल अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है उस तो उस टाइम पे नाम होता है इसका एल्कोसोल क्लियर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पोज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम अब किस चीज़ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम कि डिस्पोज्ड फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम की इंटरेक्शन क्या है इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कैसी होती है उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई करना है क्योंकि कोलाइडल में सोल्यूट का नाम होता है डिस्पोज्ड फेज़ और सॉल्वेंट का नाम होता है डिस्पर्जन मीडियम तो स्पेसिफिकली हम यही वर्ड्स यूज करने वाले हैं तो कैसी इंटरेक्शन होगी डिस्पोज्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की इस हिसाब से कोलाइडल सोल्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है एक है लायोफिलिक एक है लायोफोबिक हमेशा ध्यान रखना फिलिक वर्ड ना हमेशा एट्रैक्शन के लिए यूज होता है क्लियर और फोबिक मतलब फोबिया किसी चीज से डर दैट मीन्स यहाँ पर रिपेलिंग के लिए यूज होगा क्लियर तो जब हम लायोफिलिक की बात करें दैट मीन्स सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग लायोफोबिक की बात करें दैट मीन्स सॉल्वेंट रिपेलिंग अगर वाटर आप डिस्पर्जन मीडियम लेके चल रहे हो डिस्पर्जन मीडियम आप कोई और लिक्विड ना लेके स्पेसिफाई कर देते हो कि हम वाटर लेके चल रहे हैं तो इस टाइम पे ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन है इनका नाम होगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्योंकि वाटर के लिए हम क्या यूज करते हैं हाइड्रोवर्ड सो फर्स्ट इज लायोफिलिक को लड्स का मतलब क्या अगेन लिक्विड लविंग क्लियर तो अब ये कोलोयड्स कैसे बनते हैं ये कोलोइड्स डायरेक्टली आपके पास मिक्सिंग से बन जाते हैं जैसे आपने डिस्पोज फेज लिया डिस्पोर्जन मीडियम लिया उसको डायरेक्टली मिक्स कर दिया और आपके पास कोलोयडल्स रेडी हो गए ठीक है इसके लिए कोई अलग से आपको मैथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी तरीके से आपने मान लो इवेपोरेशन कर दिया ठीक है इवेपोरेशन करने से होगा क्या डिस्पोर्जन मीडियम जो है उसके पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे रेजिड्यू जो बचा दैट इज़ योर डिस्पोज फेज वो बच गया अब अगर आप फिर से इसको कोलाइडल बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे जो डिस्पोज फेज है उसके पार्टिकल को फिर से सॉल्वेंट के साथ मिक्स करोगे और आपके पास कोलाइड्स रेडी हो गए क्लियर तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे जो कोलोइडल सोल है ये कैसे बनते हैं डायरेक्टली मिक्सिंग से बनते हैं जैसे जम हो गया जैलेटिन हो गया स्टार्च हो गया रबड़ हो गया इसको आप किसी सूटेबल लिक्विड के साथ जो सूटेबल लिक्विड एज ए डिस्पर्जन मीडियम लेके चलोगे उसके साथ मिक्स करते हो ना तो उस टाइम पर ये कोलोइड्स डायरेक्टली बन जाते हैं और इन्हीं को इनाम देते हैं हम लायोफिलिक्स सोल इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं अगर हम डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दें डिस्पोज्ड फेज से मान लीजिए आपने इवेपोरेशन किया इवेपोरेशन से डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पोज फेज को सेपरेट आउट कर लिया अब फिर से आप सोल अगर बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे डायरेक्टली डिस्पोज्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करके कोई अलग से आपको कुछ प्रोसेसर इसके लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसीलिए इसी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनका नाम जो होता है रिवर्सिबल सॉल भी होता है मतलब एक एक बार आपने डिस्पर्जन मीडियम जो है वो इवेपोरेट हो गया वाटर मान के चल लीजिए आप वाटर इवेपोरेट हो गया तो आपके पास जो बचा हुआ है वो क्या है डिस्पोज फेज ही है फिर से अगर आपने सोल बनाना है तो डायरेक्टली क्या करोगे डिस्पोर्जन मीडियम जो है दैट इज योर वाटर उसमें मिक्स कर दोगे और कोलोयडल सोल बन जाएगा इसी वजह से इसका नाम दिया जाता है रिवर्सिबल सोल्स और ये जो है आपके पास सोल ये स्टेबल होते हैं ये इकट्ठे नहीं होते कोएगुलेट नहीं होते इसके बारे में हम कोएगुलेशन के बारे में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इज लायोफॉबिक कोलोइड्स लाओफॉबिक का मतलब क्या है लायो लायोमीन सॉल्वेंट फोबिक मीन्स हीटिंग तो सॉल्वेंट हीटिंग या लिक्विड हीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो लायोफोबिक का मतलब क्या हो गया लिक्विड हीटिंग ठीक है तो जैसे सब्सटेंस जैसे मेटल्स हो गया उनके सल्फाइड्स हो गया जब आप इसको डायरेक्टली मिक्स करोगे ना डिस्पर्जन मीडियम के साथ तो डायरेक्टली मिक्सिंग पर कभी भी कोलोइडल्स सोल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कैटेगरी है लायोफोबिक यहाँ पर डिस्पोज्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन नहीं है रिपल्शन टाइप्स है ठीक है तो आप इन सब्सटेंसेस को डायरेक्टली मिक्स करके नहीं बना सकते इनके जो कलर्डल सोल है ना ये सिर्फ किसी स्पेशल मेथड से ही प्रिपेयर होंगे और ऐसे सोल्स को हम नाम देते हैं लायोफोबिक सोल्स तो ये सोल्स जो है आपके पास जनरली के जैसे ही आपने कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे या कोएगुलेट हो जाएंगे जैसे ये इकट्ठे हो जाएंगे क्या कब जब आप थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तो ये क्या होंगे इकट्ठे हो जाएंगे या आपने हीट करा इसको या इसको शेक किया तो ये क्या हो जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाएंगे तो कोलाइडल रेंज वाले पार्टिकल्स तो रहे ही नहीं ना इसलिए ये क्या होते हैं ये वाले टाइप के जो सोल हैं ये स्टेबल नहीं होते है. और अगर एक बार ये प्रेसिपिटेट हो गए एक बार ये इकट्ठे हो गए तो ये वापस से कोलोइडल सोल नहीं देंगे डायरेक्टली डिस्पर्जन मीडियम के डिशन से जैसे पिछले केस में हमने बात करी कि आपने इवेपोरेशन से मान लो कि जो सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट हो गया ठीक है दैट इज योर डिस्पर्जन मीडियम जो है वो एवेपरेट हो गया जो रेजिड बचा वापस से आप सोल बना सकते हो मीडियम उसमें ऐड करके बट इस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है अगर ये एक बार आपके पास कोएगुलेट हो गए या एक बार ये सोल जो है आपके पास डिस्टर्ब uh, हो गया तो उस टाइम पे वापस से आप सोचो ना कि कोलोइड्स बना दो तो ये पॉसिबल नहीं है इसलिए इनको नाम दिया जाता है इर रिवर्सिबल सोल्स सो सोल्स जो है इनको हमेशा एक स्टेबिलाईजिंग एजेंट की जरूरत होती है इनकी प्रिजर्वेशन के केस में क्योंकि लायोफिलिक में क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है उसके लिए कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा ये दोनों ही जो आपके पास क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके इससे रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि रिवर्सिबल सोल कौन से होते हैं क्लासिफिकेशन कीजिए तो उसको आपने ध्यान से स्टडी करना नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पोज फेस अब हमने क्लासिफिकेशन करने कोलाइड्स के किस बेसिस पे डिस्पोर्ज फेज के जो पार्टिकल हैं वो कैसे हैं ठीक है तो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वट इज़ फर्स्ट इज मल्टीमोलिकुलर सेकेंड इज माइक्रोमोलिकुलर एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड्स तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक एक को फर्स्ट इज मल्टी मॉलिक्यूलर नाम से पता चल रहा है मल्टी मल्टीमीस बहुत सारे और मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स ठीक है तो अब हमने क्या करना है जैसे आप डिजोल्यूशन करोगे तो एक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जो हैं या फिर एक स्मॉलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन करेंगे और एक आपको स्पीशीज़ दे देंगे और वो स्पीशीज़ क्या होगा कोलोयडल रेंज में उसकी जो रेंज आएगी पार्टिकल साइज़ आएगा क्लियर दैट मीन्स कि आइटम्स कंबाइन हुए या फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए कंबाइन होके एग्रीगेट होके जुड़े इकट्ठे और एक ऐसा स्पीशीज बना देंगे जिसकी जो साइज़ की रेंज है वो कोलोयडल रेंज है तो उस टाइम पर जो स्पीशीज़ बन रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स इसका मतलब कि जो कोलोइड से जो कम रेंज के पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन होंगे और कोलाइडल रेंज वाला जो आपको पार्टिकल या स्पीशीज दे देंगे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझते हैं तो एक गोल्ड का आपने सोल बनाया उसमें क्या होगा बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे या बहुत सारे एटम्स होंगे जिसका वेरियस साइज होगा और वो कंबाइन होंगे सल्फर का सोल बनाया उसमें क्या होगा आपके पास पार्टिकल्स होंगे जिसमें थाउजेंड्स या उससे ज़्यादा भी सल्फर एट के दासी दैट इज़ एस एट सल्फर मॉलिक्यूल्स जो है एग्जिस्ट करेंगे नेक्स्ट इज मैक्रो माइक्रो से बात पता चल रही है कि बड़ा सारा कोई मॉलिक्यूल होगा ठीक है तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं जब भी आप किसी सूटेबल सॉल्वेंट में उसको डालते हो ना वो सॉल्यूशन बनाएंगे और उस टाइम पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वो कोलाइडल रेंज में होगा दैट मीन्स आपने कोई ऑलरेडी ऐसा स्पीशीज लिया जिसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में है आपने उसका कोलाइड बनाना तो उसको आप एक सूटेबल सोलवेंट में डालोगे और वो सोल्यूशन बना देगा और उस सोल्यूशन की अगर आप साइज की बात करते हो तो वो किस में आएगा कोलाइडल रेंज में आएगा तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं मैक्रोमो मॉलिक्यूलर क्लोइड्स ठीक है और ये कोलाइड्स जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं और ये कहीं ना कहीं ट्रू सॉल्यूशन को रिसेम्बल करते हैं अब नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलेक्यूल्स कौन-कौन से हो सकते हैं स्टार्च हो सकता है सेलुलोज हो सकता है प्रोटीन्स हो सकते हैं एंजाइम्स हो सकते हैं और मैन मेड्स जो आपके पास माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन से होंगे पॉलीथीन होगा नाइलोन होगा पॉलिस्टाइरिन होगा और सिंथेटिक रबर्स होंगे इन सभी जो माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है आपके पास उसमें इसका डिटेल्ड डिस्कशन आएगा और एक पॉलीमर्स में आएगा क्लियर नेक्स्ट इज एसोसिएटेड क्लोइड अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब आप लो कंसंट्रेशन पे बात करोगे ना तो उस टाइम पे तो ये नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह मतलब इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे ठीक है बट हाई कंसंट्रेशन पे ना ये कोलोइडल बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि इस टाइम पे ये जुड़ने शुरू हो जाएंगे एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा अब हाई कॉन्सेंट्रेशन की आप बात करते हो उस टाइम पे ये एग्रीगेट हो रहे हैं तो ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल बनेंगे इन्हीं को ही हम नाम देते हैं मिसल्स क्लियर इसका एक और नाम भी बोला जाता है दिस आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलोइड्स और मिसल्स हमने क्या बोला लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं बट हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये कोलोइडल बिहेवियर शो करेंगे क्योंकि एग्रीगेट्स बन जाएंगे और इन्हीं एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को या तो हम नाम, तो नाम देते हैं मिसल्स या फिर इनका दूसरा नाम होता है एसोसिएटेड क्लोइड्स अब जो मिसल का फॉर्मेशन है ये ऐसे नहीं कि हर किसी टेम्परेचर पे या हर किसी कॉन्सेंट्रेशन पे हो जाएगा ऐसा नहीं होता मिसल का जो फॉर्मेशन है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ही होगा और उसको नाम दिया जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर और किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर ही होगा और उस कॉन्सेंट्रेशन को नाम दिया जाता है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों ही जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट टेम्परेचर एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन और सी तो जब भी मिसल की फॉर्मेशन की बात करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर ही होगी और उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर और किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर होगी और उस कॉन्सेंट्रेशन का नाम क्या है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही आप डायल्यूशन करोगे तो ये कॉलॉइड्स जो है वापस से इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स जैसे आपके पास सोप हो गया डिटर्जेंट हो गया ये किस ये किससे बिलोंग करते हैं दिस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एसोसिएटेड कोलोइड्स, क्लियर अगर सॉप्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो इनकी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है टेन रेस्ट टू पावर माइनस फोर से लेके टेन रेस्ट टू पावर माइनस थ्री मोल पर लीटर ये कलर्ट्स जो है ना ये दोनों ही इसमें लायोफोबिक भी पार्ट्स होते हैं लायोफिलिक भी पार्ट्स होते हैं और मिसल्स में जो हंड्रेड या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं क्लियर अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन मिसल की फॉर्मेशन कैसे होती है सॉप का क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं होपफुली आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन If you find this video useful, then click on the share button and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.